हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई नो कि अब क्लैट पीजी 2024 के लिए काफ़ी कम दिन बचे हैं, सिर्फ 12 टू 13 डेज ही बचे हैं और आप सभी के एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स शूट अप हो रहे होंगे। तो मैं आपके लिए कुछ बहुत आसान सी टिप्स लेके आई हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम इस टाइम पर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करें, फालतू में ओवर स्ट्रेस ना करें। ज़्यादा अपने आप को बर्डन करने से आपके एंग्जाइटी लेवल्स सिर्फ शूट अप होंगे। ज़रूरी है कि आप टाइम से अपनी मील्स खाएं, ज़रूरी है कि आप टाइम से सोएं और ज़रूरी है कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या थोड़ा बहुत वॉक करना या एक छोटा सा वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करें। इन सभी से आपकी एक रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगी और आपके एंग्जाइटी लेवल्स भी रिड्यूस रहेंगे या बैलेंस रहेंगे। दूसरी चीज़ इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि अब जो आप अपना रिविज़न कर रहे हैं उस रिविज़न में नए मटेरियल को इंट्रोड्यूस ना करें। नए मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने से भी इस पॉइंट पर आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ सकती है। ये रिविज़न का टाइम है, आप एक अपना शेड्यूल बनाएं, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें और अपने रिविज़न को मैनेज करें। एक बार में एक घंटे या 50 मिनट के लिए बैठें, उसके बाद एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें, उसमें वॉक करके आ जाएं, चाहे तो उसमें एक छोटा सा गाना सुन लें, अपने आप को एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट दें, फिर आप दोबारा पढ़ने बैठ सकते हैं। उसके अलावा ज़रूरी है कि अब जो आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको टाइमर लगा के और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम हॉल में कैसा माहौल होगा और एग्ज़ाम हॉल में आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। आप ये ना सोचें कि मॉक्स में मार्क कम आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये टाइम है कि हम अपने मोरल्स को हाई रखें। ज़रूरी है कि हम अपने आप को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड करें। छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए कि हाँ, कल मेरा मॉक में कम स्कोर था, आज मेरा थोड़ा बेहतर आया है तो मैंने इम्प्रूव किया है। मैं पढ़ ही तो रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं अपने टारगेट पर ही चल रहा हूँ। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दें, हर वक्त अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो ये टाइम उनसे बात करने का या उनके आसपास रहने का नहीं है। उन सभी से थोड़ी दूरी बना के रखें। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि टेम्प्ररी सॉल्यूशंस जो हमको हमारी एंग्जाइटी के लिए मिलते हैं कॉफ़ी पी के या एक्सेसिव शुगर इनटेक से, चाय पी के, निकोटिन इनटेक से, अल्कोहल इनटेक से, कैनबिस इनटेक से, वो सभी हमें नहीं करने हैं। दैट विल ओनली गिव यू अ टेम्प्ररी रिलीफ, इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू योर एंग्जाइटी और स्ट्रेस। एंड यू नेवर नो कि इन सब के इनटेक से आपके एंग्जाइटी लेवल्स एग्जाम वाले दिन पे शूट अप ना हो जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि इनके इनटेक को बहुत रेगुलराइज किया जाए, बहुत ही मिनिमम कर दिया जाए। उसके बाद ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप टाइम से सोएं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड, आपका आईडी कार्ड, आपके पेंस, बॉल पॉइंट पेंस, वो सब कुछ आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद रात को आपको एकदम टाइम से सोना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी हेल्दी एंड वेल स्लेप्ट नाइट, अदरवाइज नेक्स्ट डे थोड़ा टेंस्ड रह सकता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, डू नॉट वेयर न्यूली ब्रॉट क्लोथ्स। वैसे कपड़े पहने जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके लिए इजी हैं। साथ में एक वाटर बॉटल लेके जाएं, साथ में अपने एक वॉच पहन के जाएं, जिससे अगर एग्ज़ाम हॉल की क्लॉक नहीं चल रही है तो उस चीज़ की वजह से आप एंग्शियस ना हो। आपके पास एक वर्किंग क्लॉक होगी, आपके पास अपना वाटर बॉटल होगा, आप अपने क्लोथ्स में कंफर्टेबल होंगे। प्लस एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस और स्ट्रेस्ड आउट दिखें, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के चलें,
तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, जिससे एंड टाइम पे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। बस इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। फिर से ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, स्टे हेल्दी, स्टे अपडेटेड, टेक केयर, एंड फॉर मोर सच वीडियोज एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन क्लैक पीजी 2024, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।